आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपना छठा बजट जो है वो उनकी तरफ से आज पेश किया गया है। छठा बजट इसलिए क्योंकि पहले भी 5 साल वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे और ये 6वें साल का पहला बजट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज पेश किया गया। ये भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश के विकास की गति को और तेज़ करेगा, ऐसा सरकार का कहना है। लगातार इस पर काम किया जा रहा है और लगातार सरकार की तरफ से जो योजनाएँ अब तक ज़मीन पर उतारी गई हैं उन योजनाओं को और कैसे तेज़ किया जाएगा, उस तेज़ी के लिए ये जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है ये अपने में एक कीर्तिमान बताया जा रहा है। कीर्तिमान इसलिए क्योंकि इस बजट के जरिए सरकार का यह कहना है कि यह बजट इतना बड़ा है कि देश में किसी और राज्य का बजट इतना बड़ा नहीं है। करीब 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास को और प्रगति पर ले जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। साफ तौर पर सरकार का यह कहना है कि करीब 39,181 करोड़ की ऐसी नई योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में अब शुरू की जाएंगी इस बजट के बाद, यानी कुल मिलाकर करीब 40,000 करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में नए तरीके से शुरू करी जाएंगी। इसके अलावा कई ऐसे जो भत्ते हैं उनको भी बढ़ाया गया है, जिसमें जो दिव्यांग भत्ता है उसको बढ़ाया गया। पहले 300 रुपया मिलता था, अब 1,000 रुपया मिलेगा। वृद्धाजन योजना के तहत जो महिलाओं को जो भत्ता मिलता था वो पहले 500 रुपया मिलता था, अब उसे 1,000 रुपया कर दिया गया है। और इसी तरह से जो आशा बहुएं हैं या आशा कार्यकर्त्री हैं उनके भी जो भत्ते हैं वो सरकार की तरफ से बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा बिजली को लेकर के काफ़ी समस्याएं उत्तर प्रदेश में देखने को पहले भी मिली हैं और इस बार बताया गया है कि बिजली रिवैप के जरिए सरकार एक नई योजना शुरू करेगी जिसमें बिजली की समस्या को कम किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कटौती ना हो या फिर उत्तर प्रदेश में बिजली का जो प्रोडक्शन है उसको और बढ़ाया जा सके। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से गन्ना किसानों के लिए भी रखा गया है। एक और अहम चीज यह है कि सरकार की तरफ से यह कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो विकास दर थी वो आज तक 4% तक नहीं पहुंची है, लेकिन हमारी सरकार इस बार इस बजट के जरिए यह लक्ष्य लेकर चल रही है कि इस विकास दर को 5.1% तक ले जाया जाए। मतलब जो विकास दर अब तक 4% नहीं पहुंची थी उसे 5.1% तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा सिंचाई, इसके अलावा परिवहन, 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात, उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर फैसले जो हैं वो इस बजट के जरिए सरकार की तरफ से लिए गए हैं, ऐसा सरकार का कहना है। और इसी में अगर हम जोड़ दें ODOP या फिर इसी में हम जोड़ दें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है इन्वेस्टर समिट की सेकंड राउंड की, उसमें भी बताया जा रहा है कि करीब 75,000 करोड़ का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आएगा और इससे भी जो रोजगार है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी योजनाएं थी जिन पर सबका ध्यान केंद्रित था और उनको लग रहा था कि इस बार इन योजनाओं को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पहली योजना थी बच्चियों को स्कूटी, जो संकल्प पत्र का भी वादा था। दूसरी योजना जो सबको लग रहा था कि महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन में फ्री बस सेवा मिलेगी। और तीसरी योजना किसानों के लिए जो सिंचाई की समस्या है उस पर सरकार कुछ बड़ा सोचेगी, शायद उसकी बिजली माफ की जाए या कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा। लेकिन इन तीनों पर सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है। हो सकता है अनुपूरक बजट तक कुछ और नई रूपरेखा तय करी जाए और उसके बाद इसे एक नए तरीके से जनता के बीच में पेश किया जाए, लेकिन आज जो बजट पेश किया गया उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो व्यापार की दृष्टि है, इजी ऑफ डूइंग की दृष्टि है, रोजगार की दृष्टि है, हेल्थ सिस्टम हो गया या फिर खिलाड़ियों की बात हो गई, कानून व्यवस्था की बात हो गई, किसानों की बात हो गई, इन सारी चीज़ों को एक बुकलेट में सजो करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने की कोशिश जो है वो इस बजट के जरिए सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन इस बजट के आने के बाद संभावनाएं कितनी और बेहतर होंगी, कौन सी वो चीज़ है जो बजट में छूट गई जिस पर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, यह विपक्षी दलों का इस बजट पर क्या कहना है। हालांकि प्रतिक्रियाएं आई हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके ये कहा कि सरकार की जो मंशा है वो अच्छी नहीं है, वो जनता के हित में नहीं सोच रही है, हित में सोचती तो शायद ये बजट किसी और रूपरेखा में होता।
और अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है कि ये जो बजट पेश किया गया है ये बजट नहीं है, दरअसल ये बंटवारा है। बंटवारा किस तरह का, ये भी हम इस डिबेट के जरिए, इस चर्चा के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जो भारी भरकम बजट पेश किया गया है ये किस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास को गति देगा। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप, प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। नेता विपक्ष कितना नंबर देंगे? नेता विपक्ष इस सरकार को इसलिए नंबर नहीं देंगे जिन्होंने पिछले 5 साल का अपना संकल्प पत्र पूरा ना किया हो, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं इस छठे बजट में? उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए समर्पित है, उसमें गरीब से गरीब व्यक्ति का भी ख्याल रखा गया है, युवाओं का ख्याल रखा गया, महिलाओं का ख्याल रखा गया है, किसानों और गरीबों का ख्याल रखा गया है, नौजवानों का ख्याल रखा गया है और उत्तर प्रदेश को प्रगति के एक नए मुकाम तक पहुँचाने का एक ऐसे संकल्प का यह बजट है जिस बजट की जितनी प्रशंसा की जाएगी वो कम होगी और उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी उनको देखने में भाजपा का कोई अच्छा काम जो है उनको खराब दिखता है। अच्छा बजट उसको भी उनको लगता है कि इसमें जैसे वो तुष्टिकरण करते, तुष्टिकरण हो तो सब अच्छा है, अगर तीर्थ स्थलों को विकास हो तो खराब है, गरीबों को घर मिले खराब है, जल से नल से जल हर घर में पहुंच जाए उनको लगता है खराब है, गरीब के घर में बिजली लग जाए खराब है, उनका कच्चा मकान पक्का बन जाए उनके लिए खराब है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है, हम क्यों गरीब कल्याण के लिए समर्पित। इतने बजट तो भारतीय जनता पार्टी पेश कर चुकी, क्या निकला? सिर्फ नंबर बढ़ाए गए, हवा हवाई दावे किए गए ट्रिलियन इकोनॉमी के, लेकिन सही बात यह है कि उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता होती चली गई। यहां पर बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा, स्वास्थ्य में हम सबसे फिसड्डी हो गए। कोई भी योजना ना तो नौजवानों के हितों में है, ना किसानों के, ना आम आदमी के। तो ये वो बयान थे जो बजट के बाद विपक्ष के नेताओं की और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आए हैं। साफ तौर पर इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं रोजगार की दृष्टि को और बेहतर करने की कोशिश है। बच्चों को लैपटॉप, स्मार्टफोन, छात्रों को 2 करोड़ स्मार्टफोन और मोबाइल देने की बात भी कही गई है। तो कुछ ऐसा बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है और प्रयास ये किया गया है कि उत्तर प्रदेश में विकास की जो स्थिति है उसको और बेहतर किया जाए, रोजगार की स्थिति को बेहतर किया जाए, निवेश को बढ़ाया जाए और कुल मिलाकर के जो बजट आज पेश किया गया ये शुरुआत से ही पेपरलेस था और पेपरलेस बजट जो सॉफ्ट कॉपीज लोगों के मोबाइल फोन्स तक पहुंची है उसमें साफ तौर पर जो पहला पन्ना था उसमें सबसे ऊपर कानून व्यवस्था का जिक्र था कि कैसे इसे बेहतर किया जाएगा और उसके बाद किसान और उसके बाद एक एक करके महिला, युवा कल्याण, बाल विकास, इन सारे मुद्दों पर बजट की जो लाइनें थी वो लिखी गई थी। तो साफ तौर पर सबसे पहले कानून व्यवस्था पर जिक्र किया गया कि कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, डिबेट को शुरू करेंगे। मेहमानों को मैं जोड़ता हूं, सबसे पहले मैं रूबरू कराऊंगा आपसे मेहमानों को। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी उत्तर प्रदेश में होने वाली है अगले महीने में और बताया जा रहा है कि 75,000 करोड़ की योजनाएं जो हैं वो इस के जरिए शुरू की जाएंगी उत्तर प्रदेश में, जिसमें रोजगार की दृष्टि को और बेहतर किया जाएगा। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश पहले ही दूसरे नंबर पर आ चुका है। बच्चों को लैपटॉप, स्मार्टफोन और इसके अलावा जो विभाग हैं उत्तर प्रदेश में उन विभागों में कैसे काम बेहतर और हो सके, उन विभागों का जो बजट है उसको भी बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर के 24 की जो गोलाबंदी है वो उसको इस बजट के जरिए देखा जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में
अलग अलग विभागों में और अलग अलग जगहों पर विकास को और बेहतर किया जाए, और उसी के लिए कहीं ना कहीं इस बजट को काफ़ी अहम माना गया है। ये भी बताया गया है कि जो बच्चियों के सामूहिक विवाह करवाए जाते थे उसके लिए भी 600 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए गए हैं। NHM में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बजट सरकार की तरफ से दिया गया है, और कोशिश यही की गई है कि ये जो बजट है ये उत्तर प्रदेश की स्थिति को, उत्तर प्रदेश के विकास को और गति पहुंचाएगा। लेकिन लगातार इस पर जो विपक्ष है उसकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार विपक्ष इस बजट को सरकार की मंशा के और जनता के हित में नहीं बता रहा है। लगातार इस कोशिश को किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से ये बताने की कि सरकार की तरफ से और इस बजट को और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने उस पर विचार नहीं किया और इसी वजह से बजट बहुत कुछ खास पेश नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे पर आज हम इस डिबेट को करेंगे, चर्चा करेंगे। अब से थोड़ी देर में मेहमान हमसे जुड़ेंगे, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। तो 6,15,518 करोड़ 97 लाख का ये बजट जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज पेश किया गया है। उम्मीद सबको थी कि बच्चियों को स्कूटी, महिलाओं को फ्री बस की सुविधा, किसानों के लिए सिंचाई की समस्या जो है उसका भी निराकरण इस बजट के जरिए किया जाएगा। हालांकि इस पर सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है और उम्मीद जताई जा रही कि शायद आने वाले अनुपूरक बजट में इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस भारी भरकम बजट में ये बताया जरूर जा रहा है कि करीब 40,000 करोड़ की ऐसी नई योजनाएँ जो हैं वो इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएंगी। भत्ता बढ़ाया जाएगा लोगों का, जिसमें दिव्यांगजन जो हैं उनका भत्ता बढ़ाया गया है, जो आशा बहुएं हैं उनका भत्ता बढ़ाया गया है, जो वृद्धजन महिलाएं हैं उनका भत्ता बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से। बिजली की समस्या पर भी सरकार ने काफ़ी कुछ सोचा है और बिजली को भी उस समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है। 1,000 करोड़ गन्ना भुगतान के लिए, क्योंकि गन्ना किसानों को लेकर के चुनाव में भी काफ़ी सवाल जो थे वो सरकार से पूछे जा रहे थे, और उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है कि गन्ना किसान के जो गन्ना के जो किसान हैं उनका जो भुगतान है वो सही समय पर दिया जा सके। लेकिन इस बजट के आने से पहले ही जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनकी तरफ से बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि PM सम्मान निधि के तहत हम बेहतर काम कर रहे हैं, किसानों को लाभ पहुँच रहा है, किसानों का सही समय पर भुगतान हो रहा है, कोरोना काल में किसानों को और लोगों को जिस तरह से सुविधाएं और सहायता पहुंचाई गई हैं उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में पहुंचा है। फिलहाल मैं मेहमानों से आपको रूबरू करा दूं। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ BJP से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जावेद अहमद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इमरान लतीफ़ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अंकुर सक्सेना हमारे साथ RLD से जुड़े हुए हैं, और अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे इस बजट के बारे में और बजट कितना बेहतर है इसके बारे में। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा अरविंद जी। सर, बजट आया है और लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत बेहतर बजट है, इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश के विकास को और गति दी जाएगी। आपकी नज़र में ये बेहतर बजट है या इसे और बेहतर किया जा सकता था, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि बेहतर नहीं है। ये दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट का जो आकलन होता है उसका मकसद जो होता है बेसिकली जो है अर्थव्यवस्था को गति देना, और दूसरा होता है कि जो आम लोगों की सहूलियतें हैं वह बढ़े और लोगों के हाथ में पैसा आए। अब यह सवाल उठता है कि इसका पैरामीटर क्या है। इसके 4 पैरामीटर होते हैं। एक, जो बजट के जरिए सरकार कितना निजी निवेश कर पाती है, वह जो है सार्वजनिक खर्च कितना करती है, लोगों का जो है आंतरिक खपत कितना होता है, और चौथा, निर्यात में जो है कितना वह सफल रहती है। अगर इस चारों पैरामीटर पर देखेंगे तो जो निजी निवेश है अभी तक हम लोगों के यहाँ भारत में परंपरा रही है, आप भारत के किसी राज्य में देखी है कि वह बजट के जरिए ही निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है। नतीजा उसका यह निकलता है कि निजी निवेश न के बराबर होता है। लेकिन इस सरकार को थोड़ा हम जरूर कहेंगे कि यह जो है 2017 में जब सरकार बनी तो वह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, एक नया अध्याय खोली जिसके जरिए जो है निवेश को प्रोत्साहन मिला। जैसा कि बजट में बताया गया कि लगभग 4 लाख करोड़ जो है 2017-18 में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, और आगे भी जो है 3 जून को होने जा रहा है जिसमें 75,000 करोड़ का निवेश की बात कही जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा, जो सार्वजनिक खर्च है, देखिए किसी भी राज्य के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि वह सार्वजनिक खर्च करे। सार्वजनिक खर्च का मतलब होता है कि जो सरकार की जो परियोजनाएं होती है उसमें अधिक से अधिक पैसा लगाए।
इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है बल्कि जो है लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस दिशा में सरकार जो है देखिए इस बार नया एक काम की है, जो कि नई जो परियोजनाएं उस पर 39,000 करोड़ खर्च करने जा रही है। पिछली बार बजट में आप देखेंगे 21-22 में तो 27,000 करोड़ था, यानी 11,000 करोड़ का। तो मेरा मानना है कि इससे कहीं ना कहीं जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात यह है कि मुझे लग रहा था कि इस बार शायद सरकार जो व्यय पर नियंत्रित करती है या अपने लोगों पर जो है चाहे ऑफिस हो या विधायक हो उनकी जो सहूलियतें थी कम की है, तो लग रहा था कि राजकोषीय घाटा कम होगा। लेकिन अपेक्षाकृत उतना कम नहीं हुआ। पिछली बार 90,000 करोड़ था, इस बार जो है 81,000, यानी केवल 9,000 करोड़ का जो है कमी आई है, जो कि अभी भी आप देखेंगे तो आपका टोटल जो जीडीपी का है उसका करीब 3.96 है, बहुत अधिक है। राजस्व व्यय भी आप देखेंगे बहुत कम नहीं हुआ है। पिछली बार 23,200 करोड़ था, इस बार जो है लगभग 21,000 करोड़ है, यानी 1,000 करोड़ के आसपास है। मेरा मानना है कि सरकार चूंकि अब नई परियोजनाओं को करीब 97 परियोजनाओं को ला रही है, तो हमको लगता है इधर कटौती करके उधर जो है करीब 55,000 करोड़ का जो नई परियोजना है उसमें जो है कुछ की होगी, मुझे लगता है जहां तक, अन्यथा राजकोषीय घाटा को नीचे लाया जा सकता था। देखिए एक चीज और है, यहाँ ध्यान देना होगा कि चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में मेरे समस्या बाहर है कि सरकार ने 2,000 करोड़ का जो है कमी क्यों किया है। पिछली बार लगभग 21,000 करोड़ था, इस बार जो है 19,000 करोड़ है, जबकि आज की तारीख में आपने देखा कि किस तरह कोरोना वगैरह को लेकर के संकट यहाँ के लोगों को या पूरे देश कहिए या पूरे विश्व को कहिए झेलना पड़ा। तो मुझे लग रहा था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूर कुछ वृद्धि हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब देखना दिलचस्प होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात की बाकी आप सेक्टर को देखिए, तो कहीं ना कहीं जो है एक परंपरागत तौर पर जो हर सेक्टर को पैसा आवंटित करना होता था वह जो है कहीं ना कहीं सरकार की है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि जिस ढंग से आप 2022 और 23 के बजट में थोड़ा 11.6% का जो वृद्धि हुई है उसमें जो जो सामाजिक सरोकार से जुड़े, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि दिव्यांगजन है या जो महिलाएं हैं उनका जो भत्ता में जो वृद्धि हुई है लगभग दूना हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। तो मैं इस पूरे बजट को जो है संतुलित रूप में देखता हूं, एक अच्छा प्रयास देखता हूं और मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को जरूर गति मिलेगी। नितिन जी, ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। जावेद अहमद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। जावेद भाई, इस बजट को आप किस नजर से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? और आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि बजट नहीं बंटवारा है, क्यों? निश्चित रूप से जो चीजें हैं, जो जिन चीजों की इस समय आवश्यकता है उसको अगर आप दृष्टिगत नहीं रखेंगे तो वो बजट असंतुलित ही कहलाएगा। आपने किस तरीके से वादा किया 2017 का, तो आपने अपना संकल्प पत्र आज तक पूरा नहीं कर पाए। जो वादा आपने चुनाव के समय किया कि हम किसानों को बिजली मुफ्त करेंगे, आपकी बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। आपने शहरी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कहा था कि हम आपका बिजली का बिल हाफ कर देंगे, उसकी कोई वहां पर चर्चा ही नहीं है। आपने जो चुनाव के पूर्व जिस तरीके से विभागवार जो है मांगा था कितने पद रिक्त हैं, कितना क्या है, सब दीजिए, ये 90 दिन में भर्ती होगी, ये 100 दिन में भर्ती होगी। रोजगार, महंगा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लगातार जिस तरीके से उसकी अनदेखी कर रहे हैं, ये क्या उत्तर प्रदेश की सेहत को अच्छा करने का काम करेगा कि ये इसकी सेहत को बिगाड़ने का काम करेगा? आप अपने उन लक्ष्यों पर ही कहीं खड़े नहीं उतर रहे हैं। और ये बजट कब धरातल पर उतरेगा? अभी अरविंद जी कह रहे थे, देखिए क्या ग्राउंड सेरेमनी के बाद जो है या इन्वेस्टर समिट के बाद जमीन पर क्या उतरा है। आप आंकड़ों में कागज पर कुछ भी कहें, आपकी तो बस्ती मंडल में सड़कें भी बन गई थी पीडब्ल्यूडी की, वो सड़कें तो कहीं दिखी नहीं लेकिन कागज पे बनी और कागज पे भुगतान हो गया। ये तो मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार कहा कि हम SIT गठित करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद आज तक चर्चा नहीं है। तो ये इस तरीके से आपने कहा 66,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट में निवेश आया हमारे पास, लेकिन जब योगी पार्ट टू आया तो कहा गया कि वो 66,000 नहीं 5,700 करोड़ आया। MOU इस तरीके से साइन हुए लेकिन वो भी जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप महंगाई को कम करने की दिशा में कहीं नहीं है, जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। ये भारी भरकम बजट है, इसके लिए आप
धन लाएंगे कहां से, ये भी एक प्रश्न है। जीएसटी का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार देने में लगातार आनाकानी कर रहा है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या गैर भाजपा शासित राज्य हो। जब भी राज्य, चूंकि जीएसटी लग जाने के बाद राज्यों के इस मामले में हाथ तंग हो चुके हैं, तो फौरन केंद्र सरकार कहती है कि आप आरबीआई से लोन ले लीजिए। तो लोन लेकर हमारा हिस्सा हमको मिलेगा नहीं केंद्र से, और हम ऋण लेकर कहां पर योजनाओं को पूरा कर पाएंगे, और आरबीआई को हमें ब्याज भी देना होगा। तो ये जिस तरीके का एक खेल चल रहा है इसको पब्लिक को भ्रमित करने के लिए, वो कहीं वो आंकड़ेबाजी में तो बहुत अच्छा लगता है, दिखाई देता है, लेकिन अरविंद जी ने भी स्वयं कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें नहीं समझ में आता। तो इसी तरीके से मैं एक बात कह दूं कि जो तमाम मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हुई, उसके लिए आपने संसाधन की कोई बात नहीं की, उसके लिए जमीनों की बात नहीं की। मैं एम्स के लिए जो आपने जो मानक निर्धारित हैं, गोरखपुर के एम्स में ही अभी 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, 100 एकड़ जमीन कम है, वहां पर कुल 22 विभागों का अभी उपचार चल रहा है, 20 विभागों के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, रोगियों के लिए 42 जो फैकल्टी थी उसमें कुल 22 काम कर पा रही है, क्योंकि 100 एकड़ भूमि की वर्तमान समय में आ सकता है। तो ये जो चीजें हैं, अगर इनका उल्लेख नहीं है, आप आंकड़ेबाजी में उलझा कर रखना चाहते हैं जनता की और जन सरोकार से जुड़े हुए उनके कल्याण के लिए, अगर आपके पास कोई मापदंड नहीं है, कोई आपके पास विजन नहीं है, तो वो बजट आपने जो पेश किया है वो आपको मुबारक। ठीक है सर, ठीक है। इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। शाही साहब सबकी सुन लीजिए, सबका जवाब आपसे लूंगा मैं। इमरान भाई, बजट आया है उत्तर प्रदेश का, छठा बजट है योगी सरकार का, किस नजर से इसे देखते हैं, सारी उम्मीदों पर खरा उतरा ये बजट? देखिए, सारे एडवर्टाइजमेंट के जरिए लगातार सरकार, उनके नुमाइंदे, उनके समर्थक ये बताने में जुटे हुए हैं कि ये लोक कल्याणकारी बजट है, लेकिन इसे हम लोक कल्याणकारी बजट के रूप में देख रहे हैं। लोक कल्याणकारी बजट के रूप में देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो शिक्षा के लिए क्या कैसे किया जाएगा, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई रोडमैप नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कैसे चीजें बेहतर की जाएंगी, उसका कोई रोडमैप नहीं है। मेडिकल कॉलेज लोग मतलब अभी जावेद भाई भी उस बात का जिक्र कर रहे थे, जमीनें कहाँ से आएंगी, कैसे फंड खर्च होगा, इन सब चीजों का किसी भी तरह का कोई ठीक ठाक प्रावधान इसके अंदर नहीं है। गन्ना किसानों के भुगतान की जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि तुरंत कोई व्यवस्था की जाएगी, वो भी नहीं है, वो सिर्फ जुमलों का शानदार खेल खेला गया है। कुल मिलाकर अगर इस बजट की बात करें तो ना तो इसमें शिक्षा के लिए कुछ है, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना बच्चों के लिए कुछ है। हर जगह हाथ खाली लेकर हम लौट रहे हैं। अगर कुछ है तो सिर्फ आंकड़ों की का खेल, जुमलेबाजी। इसके अतिरिक्त इस बजट के अंदर आप कुछ नहीं देख रहे हैं। अभी रोजगार की अगर बात करें तो बेरोजगारी को लेके जो बेरोजगारी दर की जो बात है, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो बेरोजगारी दर थी 2.4, आज ये कह रहे हैं कि 2.9 हो गई है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि बेरोजगारी दर इनके 5 साल के जब ये सरकार जब इनकी बनी थी और आज की अगर एनालिसिस कर लें तो बढ़ी है बेरोजगारी दर, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दुनिया भर के दावे किए जा रहे हैं कि निजी क्षेत्र में इतनी नौकरियां दी, सरकारी क्षेत्र में इतनी नौकरियां दी, हालांकि जिन नौकरियां देने की बात हुई थी, जो वादे थे इनके अपने, जो वादे थे जो इनके घोषणा पत्र में थे, उसको भी ये कहीं उस आंकड़े के करीब करीब नहीं फटकते हैं। अब मैं एक इनके जुमलों का खेल कैसे होता है, मैं उस पर बस 25 सेकंड में अपनी बात कहूंगा कि मार्च 2022 में इन्होंने बेरोजगारी दर बताई थी 4.4, आज ये कह रहे हैं कि 2.9 है, यानी बेरोजगारी दर 1.5 घटी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 60 दिन के अंदर कौन सा ऐसा जादू चलाया है, कितनी नौकरियां दी हैं, किन क्षेत्रों में दी हैं, जिसकी वजह से 60 दिनों के अंदर ही 1.5% जो है वो बेरोजगारी दर घट गई है। तो इसे बिल्कुल साफ पता चलता है कि सिर्फ जुमलों का खेल है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है, उसी की हेराफेरी की जा रही है। इस पूरे बजट में भी कुल मिलाकर यही साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है इमरान भाई। अंकुर सक्सेना आरएलडी से। अंकुर भाई, आपकी पार्टी तो किसानों के बीच में रहती है, किसानों के लिए ये बजट कितना बेहतर है? लघु सिंचाई पर सरकार ने फैसला लिया है, और क्या हो सकता था बेहतर जो करना चाहिए था? देखिए, एक शब्द में अगर हम इस बात को कहें तो ये बैगेज बजट है।
बैगेज बजट इन द सेंस, और वो भी लो बैगेज बजट है। रीजन क्या है कि इसमें आपने जो भी चीजें हम लोगों के लिए घोषित की हैं वो होगी पे निर्भर कर रहा है। अरे आपने इस चीज को डिक्लेयर ही नहीं किया कि अभी तक आपने जो किया उसका परिणाम क्या रहा। दूसरी चीज है कि जो इकोनॉमिक होती है किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था होती है वो रिसाइकलिंग पे आधारित होती है। रिसाइकलिंग कब होगी? जब आम जनमानस की जेब में पैसा होगा। जब आम जनमानस की जेब में आज की डेट में पैसा ही नहीं है, पैसा तो सब आपके प्राइवेट लोगों के पास पहुंच रहा है, कॉर्पोरेटर के पास पहुंच रहा है। आप जितना भी डिक्लेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इतने पुल बना रहे हैं, आप कह रहे हैं हम इतने क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, लेकिन आप जो पुल बना रहे हैं उससे आम जनमानस को टोल भी तो दे रहे हैं। कोई फ्री में तो हम लोगों के लिए उसकी इकोनॉमिक की व्यवस्था नहीं हो रही। हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, माननीय खन्ना जी के क्षेत्र का मैं भी हूँ, मैं शाहजहांपुर का आपको स्थिति बता रहा हूँ। जब आप लास्ट रिजीम में जब इनने वहाँ पर KGMC बनाया, वहाँ पे मेडिकल विश्वविद्यालय बनाया, आप अभी अपने पत्रकार को दिखवा सकते हैं लाइव वहाँ पे भेज के, पंखे नहीं चल रहे हैं, हॉस्पिटल में बिस्तर नहीं है, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये है कि अकेले शाहजहांपुर की ये स्थिति नहीं है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सिविल अस्पताल से हटा के मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए तो उसमें उन्हीं के आधे स्टाफ को शिफ्ट कर दिया गया है, कोई भी नया स्टाफ वहां पर अवेलेबल नहीं है। उन्हीं में से जो वहां के वरिष्ठ चिकित्सक थे उनको प्रोफेसर का दर्जा दे दिया गया है, और आधे अधूरे स्टाफ के साथ वहां पे काम चालू किया गया। ना बिस्तर है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो अब बजट आया तो शायद और बेहतर कर दिया जाए। नहीं, तो उसी बात को मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। आपने आप एक ही चीज के लिए कितनी बार श्रेय लेंगे? आप लास्ट टाइम जब आप जनमानस के बीच में गए थे तब आपने कहा था कि मैंने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, ठीक है। अब उन मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने कुछ किया नहीं है। वही जो हॉस्पिटल्स थे उन्हीं हॉस्पिटल्स को आपने मेडिकल कॉलेज आधा काट के बना दिया, या आपने वहां के स्टाफ को ले जाके, आपने क्या इसमें बजट में यह व्यवस्था की है कि हमारे पास जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारे यहाँ मेडिकल स्टाफ है, उसकी भर्ती के लिए क्या कार्य योजना बनाएंगे? दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो ये विषय वस्तु है कि बजट क्या होता है। बजट में आय और व्यय दोनों के विषय में आंकड़े आने चाहिए। जैसा कि अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने बताया कि हमारा जो बजट है वो लास्ट टाइम भी घाटे का था, इस समय भी हमारा राजकोषीय घाटे है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये तो निरंतर बढ़ता जाएगा। रीजन ये है कि जब हमारे यहाँ जनता की जेब में पैसा नहीं है, आपकी पॉलिसीज नहीं है, आपकी पॉलिसी तो केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की के ऊपर आम जनमानस को उलझाकर बाकी महंगाई बेरोजगारी और बाकी सभी चीजों से ध्यान बटाने की है। तो कहीं ना कहीं ये बजट जो है, ये बजट केवल आम जनमानस को उस 20 लाख करोड़ के बजट जैसा ना हो जाए जो कोरोना काल में पैकेज के तौर पे डिक्लेयर किया गया था, जिस पैकेज में ये कहा गया था कि 20 लाख करोड़ आम जनमानस के पास जाएंगे। आम जनमानस ने क्या कहते हैं ठगा महसूस किया, क्योंकि उसी 20 लाख करोड़ के बजट में ये प्रोविजन था। आप सुन के बड़ी हास्यास्पद स्थिति और बड़ी दुखद है कि कैसे उसका आम जनमानस को लाभ दिया गया था। उसका आम जनमानस को दिया गया कि नितिन जी अगर आपके पास आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो उन्होंने कहा इसकी लिमिट 3 लाख रुपए हमने कर दी है। उसी समय जो उस बजट में उन्होंने एक प्रोविजन कहा था कि हम लोग आम जनमानस के ऊपर जो कोरोना काल है उस समय में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, डबल इंटरेस्ट लिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं केंद्र और प्रदेश की सरकार कहना उचित समझूंगा, क्योंकि शाही साहब हमारे बीच में बैठे हैं, ये सरकार के प्रवक्ता नहीं है, ये एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता है। मैं सरकार से हमारी जवाबदेही बनती है, सरकार कहीं ना कहीं बहलाने फुसलाने और आम जनमानस को बरगलाने के लिए कर रही है, और शाही साहब भी आम जनमानस के रूप में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बजट लो बजट है, लो बैगेज बजट है, तो कहीं ना कहीं शाही साहब के और हम सबके ऊपर इस चीज का दुष्परिणाम आएगा। ठीक है, शाही साहब सबकी बात सुन ली, अपने बजट को लेकर के क्या कहना है? उसके पहले मैं इतना भारी भरकम बजट पेश करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत प्रदेश की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, जिसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से गांव, गरीब, नौजवान, किसान, महिलाओं के लिए, सबके लिए काम किया गया है, और सबसे बेहतर व्यवस्था अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें योगी जी ने कहा कि सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते हमारा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा जोर होगा और उस पर हम जोर दे रहे हैं, जिसके लिए कई योजनाएं चलाई गई। सबसे बड़ी बात है जो फोकस है सरकार का, जो है जो निवेश लाने का जो है, सरकार ने एक वो किया है, इसमें 3 लाख करोड़ पर काम चल रहा है, फोकस हमारा है। इसमें हम 5 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, ये माननीय वित्त मंत्री जी ने आज बजट में इसको पढ़कर सुनाया, वो बजट का हिस्सा है।
उसके बाद कुछ चीजें आई, जैसे राजनीतिक दलों ने कहा, अरविंद जी ने तो एक समीक्षा की, समीक्षक बहुत अच्छे समीक्षक हैं, उन पर कोई सवाल नहीं है, कुछ अगर अच्छाई है तो अच्छाई भी उन्होंने बताया और कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी उन्होंने बताया। लेकिन राजनीतिक दलों ने बहुत स्पष्ट रूप से रोजगार मुख्य मुद्दा जो उठाया, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये उठाया, किसान, महिला और बच्चों के लिए कुछ नहीं, ये दो तीन राजनीतिक दल हैं, इन्होंने उठाया है। मैं एक एक करके मैंने रोजगार के बारे में बताया कि 5 लाख रोजगार उसमें सृजन होगा जो निवेश आएगा। नौकरियां हमारे यहाँ बदस्तूर देने का काम जारी है और चुनाव के दौरान भी नौकरियां हमारे यहाँ रुकी नहीं है, उसमें सरकार में वांट निकले, वैकेंसी निकली है, जहाँ जहाँ है। और माननीय, ये आपकी बात पे सब हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कहाँ पे नौकरियां आप दे रहे हैं, बताते भी नहीं कहाँ दे दी आपने। वो एक्चुअली ऐसा है कि इन लोगों के नेता जो आजकल सदन में है, वो इस तरीके से सदन में जो है बौखला कर शब्द बोलते हैं तो ये लोग नहीं सुनेंगे, उन्हीं के सहयोगी हैं ये लोग, उसमें नहीं सुनाई देगा। अखबार उठाइए, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, चुनाव से अभी तक अगर कुछ पढ़ने लिखने का, ये लोग नितिन जी अगर कुछ पढ़ते लिखते हैं तो अखबार उठाएं और उसमें अखबारों में देखें कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान और विभागों में कि भर्तियां निरंतर जारी रहेंगी, जहां भी जो वैकेंसी निकलेगी वो वैकेंसी भरी जाएगी। अब 3 लाख करोड़ के निवेश पर अगर हम काम कर रहे हैं तो रोजगार 5 लाख हम सृजन करने की बात कर रहे हैं। 3 बटालियन हमने पीएससी का जो अगर किया है तो उसमें महिलाओं को रोजगार हम देंगे ही देंगे। इसमें कहीं कुछ नर्सेज में 3000 नर्सेज की जो है संख्या हम बढ़ा रहे हैं, वो भी रोजगार मिलेगा। तो ये रोजगार की बात क्यों करते हैं लोग। स्वास्थ्य में देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं बजट के बाहर आकर कहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अभियान चला रखा है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं जा रहा है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर होती जा रही है धीरे धीरे, और आज बीमारू प्रदेश हुआ करता था उत्तर प्रदेश, बीमारू से स्वस्थ प्रदेश बना दिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। महिला कौशल विकास का जो काम है उसमें 20 करोड़ का एक प्रावधान किया गया है, ये महिलाओं के लिए किया गया है। और हम ये कहेंगे कि जो हमारे यहाँ 45 मेडिकल कॉलेज जो चल रहे हैं, उसके बाद 14 के लिए 2100 करोड़ का बजट भी दिया गया है, वो अलग से उनको जो है 14 को बनाने के लिए, जो और पीपीपी मॉडल वाले जो बन रहे हैं वो अलग है। तो हम आज जो अब किसी को प्रोफेसर दिखाई देता है, किसी को सिविल अस्पताल दिखाई देता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में आमूलचूल परिवर्तन, आज पीएससी की स्थिति देखिए, आज सीएससी की स्थिति देखिए, पहले से बहुत ही बेहतर है। किसी को अपने यहाँ नहीं दिखा गया क्योंकि उसमें उनको दिखना ही नहीं है, विरोध के दल का इलाज कर रहा है, डॉक्टर नहीं है। कौन कौन बोल रहा भाई, देखिए थोड़ा सा व्यवधान था, मैंने कई नर्सों ने गोरखपुर, जावेद भाई मैंने आपके बीच में बोला नहीं है, और ऐसा तो आप करते नहीं है कभी, आत्महत्या की है जावेद भाई, जावेद भाई जी ऐसा तो कुछ करते नहीं है आप, थोड़ा सा सुन लीजिए, मैंने भी बड़े धैर्य से सबको सुना, 4-5 लोगों को। अरे आप सत्ता में हैं, आपको तो सुनना पड़ेगा। अब किसानों के लिए नहीं, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम लोग जिस माध्यम से जुड़े हैं, मुझे आप लोगों की बात सुनाई नहीं दे रही है जब मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए एक एक करके बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसानों के लिए देखिए, हम लोगों ने कह रहे हैं लोगों ने कि किसानों के लिए क्या किया, भामाशाह योजना किसके लिए चलाई गई, आलू प्याज और टमाटर पर एमएसपी नहीं थी, हमने किसके लिए दिया, बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा हुआ था, पिछले की सरकारों में पलायन सबसे ज्यादा होता था, और इसमें पानी की कमी का अरविंद जी का 2-1 आर्टिकल भी आ चुका है इस पर, और हर घर में नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, लेकिन अभी हम पूरा नहीं कर पाए हैं, 60-70% तक हम वो काम कर पाए हैं। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी चीजें ये आपके विपक्ष के साथियों को क्यों नहीं दिखती, इनको हर चीज नेगेटिव क्यों दिख रहा है भाई। देखिएगा नितिन जी, ये जो मैंने किया ये तो सब बजट में छपा हुआ है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके इस बहुत महत्वपूर्ण सवाल की आपने, क्यों नेगेटिव दिखती हैं। नेगेटिव अगर नहीं दिखती तो आज ये लोग हमारी जगह होते और हमको सरकार के विपक्ष में बैठना पड़ता, अगर ये नेगेटिव नहीं दिखती, यही चीज, ये नेगेटिविटी ये लोग फैलाते रहे चुनाव में और जगह जगह गए, लेकिन जनता ने नहीं सुना इनकी इस नेगेटिव चीजों को। सारे विपक्ष के लोग मिलकर नेगेटिव चीजें फैलाते रहे, नैरेटिव सेट करते रहे, और जनता ने इनको बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि नारे बैठो, आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहेगी, कर्मयोगी हमको मुख्यमंत्री मिला है, यही जावेद भाई की पार्टी, इनके नेता जब इतना जो वैक्सीनेशन का काम जो वार लेवल पर हुआ उत्तर प्रदेश में, उसको भाजपा की वैक्सीन बताते रहे और चोरी से जाकर लगवा लिया उन्होंने। तो ये इस तरीके की दोमुखी चाल है इन लोगों की, और दोमुखी चाल में ये लोग खुद फंस गए। ठीक है, ठीक है, जवाब लेते हैं शाही साहब। हाँ जावेद भाई क्या कह रहे हैं आप, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं।
अश्वनी भाई जो कह रहे थे वो अपना काम अपने ढंग से कर रहे थे, लेकिन ये बताएं कि जब प्रधान जब वैक्सीन तैयार हुई जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र तक दिया कि केंद्र सरकार में ना तो इसकी कोई सहभागिता है ना एक पैसा लगा, ये बाद में देना पड़ा, और उसके पहले मोदी जी आए सारे लोग ढोल पीटते आए कि हमने वैक्सीन बना ली, हमने वैक्सीन बना ली, हमारी वैक्सीन बना लिया। तो आपने नहीं बना लिया, आपने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा वो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया भाई, हमारे आपका उसमें क्या योगदान है, आपका योगदान क्या है हमारे देश में जो होगा वो कब? अच्छा आप 111 सीटें जीते उसमें अखिलेश यादव का क्या योगदान है बताइए हमको? आपने उन वैज्ञानिकों को एक पैसे का प्रोत्साहन दिया शोध के लिए? अगर दिया हो तो आप बताइए, और नहीं दिया इसीलिए आपको सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देना पड़ गया। जब आपने कहा 111 विधायक आपके जीते उसमें अखिलेश यादव का क्या योगदान है? नहीं, सुनीता विलियम अगर जाएंगी चंद्रयान में तो उसमें आपका क्या योगदान, हमारा क्या योगदान, भारत का क्या योगदान? 111 विधायक आपके जीते हैं उसमें अखिलेश यादव का क्या योगदान है? अपना सीना चौड़ा करते हैं तो इसमें कोई योगदान नहीं हमारा। तो बात जो एक सवाल था मेरा, जावेद भाई जवाब दे दीजिए, तो उस बजट का औचित्य का किसान जी आप ही पूछ के जरा बता दीजिए। मेरा जावेद भाई शाही साहब कुछ पूछ रहे हैं, क्या शाही साहब कुछ पूछ रहे हैं जावेद भाई आपसे? हां बताएं शाही साहब। जावेद भाई देखिए मैं पूछ रहा हूँ कि 111 आपके जीत के आए उसमें अखिलेश यादव का क्या योगदान है? नहीं, जो लोग जीत के आए हैं वो उसमें आपका क्या योगदान है? आपने निरीक्षण मेरा नहीं अखिलेश यादव का थी नकारात्मक राजनीति की जनता के मुद्दे पर एक भाषण प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक का कोई अगर बता देगा भाई सवाल का, मैंने जो पूछा उस पर से भाग रहे हैं आप। आप लोग सिर्फ नफरत बांटते रहे, भाग रहे हैं जावेद भाई, भाग रहे हैं, भाषण करते रहे जनता के मुद्दे, जावेद भाई भाग रहे हैं आप, भाग रहे हैं। आपने लोगों को जावेद भाई भाग रहे हैं 2017 के लोक कल्याण पद पर आप चर्चा करते, आपने तो 5 साल वो देखा ही नहीं। क्या क्या योगदान था जरा खाली बता दीजिए ना, तो फिर मैं आगे एक सवाल और पूछ लूं। था ना, आप बताओ अब कब किसान की बिजली निशुल्क होगी सिंचाई के लिए? आप बताओ सिंचाई के लिए फ्री सोलर पैनल का हमने वो कर दिया है, फ्री सोलर पैनल दिया जा रहा है सब्सिडी पर। आप बताओ कब दोगे गोरखपुर के एम्स को 100 एकड़ जमीन, कब दोगे रोजगार? अरे आप लगे जमीन खरीदवाने, ये सरकार का विषय है, ये आपका विपक्ष थोड़े तय करेगा कि 100 एकड़ जमीन करेगा। अभी अभी मैं कह रहा हूँ सुनिए, इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं मैं जमीन मैंने दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि सैफई अभी उन्होंने बदतमीजी की थी, मैं नहीं कहूंगा उस चीज को, मैं कहूंगा सैफई से गेहूं बेच के नहीं लाए थे वो। अरे केशव आप कहाँ से लाए हो, टैक्स पेयर का पैसा है, बदतमीजी कैसे है ना, एकदम है। तो ये कहना छोड़ दीजिए, ये कहना छोड़ दीजिए कि हमने जमीन दिया आप कहाँ से लाओगे, आपने अपने घर से जमीन नहीं दिया है, टैक्स पेयर का पैसा है, हम और आप उनके नौकर हैं, रखवाले हैं, हम लोगों को पूरे प्रदेश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा, 25 करोड़ जनता के लिए हमको काम करना पड़ेगा, और उसके जवाबदेह हैं हम लोग। अखिलेश यादव नहीं भाग सकते, योगी जी नहीं भाग सकते, कोई भाग नहीं सकता, सब लोग यही करेंगे। हाँ सैफई में जो हेलीपैड बनवाया है, जो एरोड्रम बनवाया है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा, वहाँ कौन सा जहाज उतरता है, कौन सा गेहूँ बेच कर बनवाया था, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। औरंगजेब तक आपको मत पहुँचिए, औरंगजेब तक जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें खुलेंगी। सैफई का हेलीपैड बताइए कौन सा क्यों बनवाया गया, आप ये बताइए सफाई में जो डांस होता था उसका 100 करोड़ का बजट क्यों था? हिंदुस्तान में कहीं बजट नहीं होता है अपने घर में डांस कराने का, ये लोग करते थे। कौन सा गेहूँ बेचते थे, कौन सा जमीन बेचते थे मुलायम सिंह यादव, बताएं बताइए कौन सा गेहूँ बेचा था उन्होंने, जवाब देना पड़ेगा आपको। एरोड्रम का जवाब दीजिए और डांस का जवाब दीजिए, जो नृत्य कराते थे आप लोग नृत्यांगनाओं से, उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है प्लीज, प्लीज महाराणा प्रताप के विरुद्ध ठीक है प्लीज, किसके लिए लड़ा था? ठीक है ठीक, अगर हो इतिहास को समझने का विवेक तो जवाब दो। ठीक है अब कहां इतिहास पर पहुंच गए, अखिलेश यादव लड़े थे क्या, मुलायम सिंह लड़े थे, औरंगजेब के रिश्तेदार क्षत्रिय लड़े थे, अकबर से क्षत्रिय लड़े थे, राणा प्रताप लड़े थे, कभी हारे नहीं, और आप विरोध वामपंथियों ने इतिहास लिखा, राणा प्रताप को हारा हुआ बताया, अब इतिहास पहुंच गए बजट से, उसको सीने से भाग भाग के बजट पे पहुंच गए, उसका जवाब नहीं देंगे जो मैं पूछूंगा। ठीक है ठीक है प्लीज जावेद भाई, जावेद भाई प्लीज प्लीज, दक्षिण पंथी वामपंथी अपना समझ लेना। ठीक है बात आ गई, मत उसमें बांटे, बात आ गई बात आ गई। इमरान लतीफ आप अभी रोजगार की बात जब शाही साहब बता रहे थे तो क्यों हंस रहे थे, क्या ऐसा कारण था? देखिए रोजगार के क्षेत्र में
क्या क्या जो इनके अपने पिछले घोषणा पत्र के वादे थे, संकल्प पत्र के, उस वादे के अरीब करीब भी नहीं पटक पाए। और उसके बाद अगर रोजगार देने की बात, नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, तो हंसी तो जाहिर सी बात आएगी। कितना रोजगार दिया है, कितनी नौकरियां दी हैं, अगर ये जानना है तो आपको लखनऊ के इको गार्डन चले जाना चाहिए। वहाँ लगती थी आम आदमी पार्टी से है क्या जी, नौजवानों का जत्था आता है तो मैं एक जवाब में, कोई सब इंस्पेक्टर भर्ती वाले लोग होते हैं, कोई शिक्षा मित्र वाले लोग होते हैं, कोई तमाम जितने नौजवानों को वादा किया गया था, तमाम परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं, तमाम परीक्षाएं नहीं हो पा रही, उनके छात्र वहां आते हैं। आप जाकर वहां देख लीजिए कि किस तरह से रोजगार देने का काम इस सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से जब ये रोजगार की बात करेंगे तो हंसी आएगी। इस वजह से भी हंसी आएगी कि ये पकौड़ा तलने को ही रोजगार मानते हैं, ये पंक्चर जोड़ने को ही रोजगार मानते हैं। तो कुल मिलाकर क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, कैसे रोजगार देने जा रहे हैं उसके लिए, पिछली बार के निवेश की बात कर रहे हैं, कहां कितना निवेश हुआ है अच्छे से आप देख सकते हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि जुमलों से पूरे मामले को सजाने की कोशिश की जा रही है, लोक लुभावन बातें की जा रही है, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके, अच्छे अच्छे आंकड़े देकर, लेकिन धरातल पर जो हकीकत है वो बिल्कुल उलट है इससे। ठीक है, शाही साहब जवाब दीजिए। मुझे एक लाइन कहना है, देखिए ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया था बहुत जोर जोर से, अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे थे कि मैंने हजारों लोगों की नौकरियां दी। एक आरटीआई में किसी ने पूछा तो इन्होंने 26 नौकरियां दी थी। तो ये क्यों बताते हैं अपने लोगों को हंसने वाले। अब इमरान जी को मैं कहूं कि भाई अब हंस रहे हैं तो ये बड़ा हास्यास्पद चीज है। अरे अपनी सरकारों के बारे में भी थोड़ा सोचिए, उसके बाद दूसरे पर हंसिए। बाजी करना, आंकड़ों का खेल करना, ये वाकई इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महारत था। आरटीआई का मेरे पास है, नितिन भाई मैं भेज दूंगा आपको, दिखा दीजिए मुझे और सार्वजनिक कर दीजिएगा। वो आरटीआई का मेरे पास 26 आदमी का है मेरे पास। मैं यही कह रहा हूँ ना कि झूठ बोलने की मशीन है भारतीय जनता पार्टी। अगर झूठ बोलने का कोई कंपटीशन होता तो मैं मान रहा हूँ कि आप जो है सबसे नंबर एक। अरे तो केजरीवाल से बड़ा झूठा कौन है देश में भाई? भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल से बड़ा झूठ बोलने वाला कौन है देश में? टूटी में पानी 15 से दे रहा है, अभी 24 तक देंगे। टूटी में पानी नहीं आया, आप तुलना करेंगे? क्यों नहीं आया टूटी में पानी भाई? कहाँ चला गया? पार्टी से करने के लायक नहीं। सड़कों पर दारू बह रही है, दारू बेचेंगे, दवाई नहीं बेचेंगे, दारू बेचकर कमाएंगे। स्वास्थ्य पे क्या खर्च कर रहे हैं देख लीजिए, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल पूरी दुनिया के अंदर। कौन सा स्वास्थ्य अस्पताल आपने बनाया है बताइए? एक अस्पताल बनाया हो तो बता दीजिए आपने। आपने जितना मोहल्ला क्लिनिक है, ये पहले के बने हुए सरकारों के, पहले के सरकारों के बनाए हुए, सबको झाड़ पोछ कर आपने मोहल्ला क्लिनिक अभी भी पूरा फेंका जाता है कई मोहल्ला क्लिनिक में। क्या है, कौन सा एक नया स्कूल बनाया है जरा बता दीजिए? दिल्ली में सारे स्कूलों को कुछ भी नहीं, कौन शिक्षक भर्ती? इससे बड़ा तो आपके यहाँ कोई झूठी नहीं हो सकता है। दिल्ली में कितने शिक्षक की भर्ती हुई है बताइए? मैंने उसी पर सवाल कहा था। फर्जी बात करते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश का मुकाबला करेंगे केजरीवाल जी? 3 जन्म देंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? आज झूठ बोल लेंगे ठीक है। आम आदमी पार्टी किस तरह का काम पूरे दिल्ली के अंदर कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। एक ढंग का सरकारी स्कूल आप देख रही है भाई, गुजरात और उत्तर प्रदेश देख रही है। ये तो कुछ सरकारी स्कूल दिखाने, यहाँ पर जितने प्रचार हो रहा है मैं भेज दूं फोटो आपको, नहीं दिखाता उत्तर प्रदेश का कोई स्कूल नहीं दिखाता। देश की इज्जत बचाने के लिए आपको दिल्ली का ही सरकारी स्कूल दिखाना पड़ा था, देश का मुंह छुपाने के लिए आपको दिल्ली का ही सरकारी स्कूल दिखाना पड़ा था। हमें तो मुंह तो छुपाए रहे आम आदमी पार्टी के लोग, शिक्षा विभाग में भर्ती में कितने मास्टर की भर्ती हुई? 26 मास्टर की भर्ती हुई। क्यों आरटीआई के उसको झुठला सकते हो तो झुठला दीजिए, एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हैं उनको झुठला दीजिए। किसानों को भुगतान करने कब आप जा रहे हैं आप बताइए? स्वास्थ्य सेवाओं के, अरे अब गन्ना किसान पर बताइए प्रभु, गोल गोल पुराने का कहां है आप? आपका बजट है वैसे ही, मेरे पास कच्चा चिट्ठा पूरा रखा आम आदमी पार्टी का, धोखे में लोग आ गए हैं, आप भी धूल धूसरित मायावती की तरह होने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। केजरीवाल जी नहीं होंगे, देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में, निकम्मा भ्रष्टाचार। एक राष्ट्रीय भाई मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे अब कहना भी नहीं उचित है विधानसभा में, आप कह रहे हैं निकम्मा विपक्ष। ठीक है, अंकुर सक्सेना हमारे साथ है। अंकुर भाई, शाही साहब ने जवाब दिया कि बजट क्यों अच्छा है, जवाब से आप सहमत हैं? शाही जी सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनको तो सब जगह
बढ़िया ही बढ़िया लगेगा और सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। हालांकि इस बजट की मार उनको और उनके परिवार और हम सबके परिवारों के ऊपर पड़ने वाली है, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी शाही साहब को से एक जवाब मैं ये चाहता हूँ कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड के वेयर हाउस में 16.40 करोड़ की एक्सपायर हुई दवाओं को पकड़े जाने का मामला आप ही के उप मुख्यमंत्री महोदय ने पकड़ा, माननीय ब्रजेश पाठक ने। शाही साहब से ये जवाब चाहता हूँ, क्या इसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार थी कि वर्तमान सरकार जिम्मेदार है? शाही साहब जवाब दीजिए, इसके लिए पिछली सरकार जवाब दे रहा हूँ आपको। जी पिछली सरकार जिम्मेदार थी या वर्तमान? अगर हमने हमारे सरकार के अधिकारी जिम्मेदार थे, हमने दवाई पकड़ी, हम उसको छुपा भी सकते थे लेकिन उठाया और उसको उठाने का जिगरा रखा और उठाने के बाद उसको समाज के सामने लाए और अधिकारियों को दंडित करने का भी काम किया। शाही साहब आगे भी बात सुन लीजिए, ठीक है आपने पकड़ा या धोखे में पकड़ा गया तो उस समय जो चिकित्सा नहीं पकड़ा, अगर जहां गए वहां पर गलत चीज मिला तो पकड़ में आया। तो अब उसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गए वहां, माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस बार के गए, तो जो पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री थे उनका क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए? जो पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री थे वो इस बार वित्त मंत्री बने बैठे हैं, उनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? आज का बजट पेश कर रहे हैं वो, हर बात पर इस्तीफा की बात क्यों है भाई? हर बात पर इस्तीफा की क्यों बात है? लोकतंत्र है। नहीं नहीं, लोकतंत्र में आप लोग हर बात में इस्तीफा मांगना शुरू कर देते हैं। चोट लग गया तो इस्तीफा दे दो, कुत्ते ने काट लिया तो इस्तीफा दे दो, दवाई एक्सपायर हो गई तो इस्तीफा दे दो। क्यों इस्तीफा दे दो भाई? आप लोग इससे आगे बढ़िए और उसको कहिए कि सुधार करिए, और हम लोग सुधार कर रहे हैं। आज जो है किसी ने इतने मेडिकल कॉलेज की बात परिकल्पना भी नहीं की थी पिछली सरकारों में। आप लोग हमारे भी सहयोगी रहे हैं मंत्री ने, ये अरे अंकुश जी आप हमारे भी सहयोगी रहे हैं, आपका भी विभाग होता होगा कोई। चलिए आज दूसरे पाले में आप स्वयं देखिए, आप खुद ही कह रहे हो पिछली बार आप क्या एक मंत्री घोटाला सरकार एक मंत्री के डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ, आप ये तो नहीं कह सकते ये घोटाला सपा सरकार में हुआ कांग्रेस में हुआ भाई? एक्सपायरी दबाए कह रहे हैं कि आप पहले उनके साथी भी रह चुके हैं। अरे साथी हमारी डिबेट में आप बैठे हो, आप अभी भी हमारे साथी हो। हमारे लोगों के लिए एक सवाल और जुड़ा हुआ मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन से। योगी जी के पार्ट वन में हृदय रोगियों के लिए मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने नकली दवाएं खरीद ली थी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने सामने आकर कहा कि इस खरीद के क्या हुआ था पूरा बताइए जावेद भाई, ईमानदारी से बताइएगा। अरे सुन लीजिए पहले, ईमानदारी से बताइएगा इसको। वो ईमानदारी आज तक गठित होना तो दूर की बात है, जिस फर्म ने दवाएं सप्लाई की थी नकली वो आज तक, अरे वो ब्लैक लिस्टेड हो गई, आपको पता ही नहीं है कहाँ है मंत्री को उसको ब्लैक लिस्टेड करके उसके खिलाफ मुकदमा हो गया है? और हर आप कहाँ है भाई, मुकदमा हो गया उसके खिलाफ? अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था उसमें, आज वो मंत्रिमंडल में नहीं है। क्या जावेद भाई, क्या जावेद भाई, अरे हमने कहा इसलिए सच्चाई बताइएगा। जयप्रताप यहाँ कोई नहीं बचने वाला है, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, नहीं बचेगा। आप झूठ क्यों फैला रहे जावेद भाई? अरे अखिलेश यादव वहाँ झूठ बोल रहे हो, आप उनके प्रवक्ता होकर यहाँ झूठ बोल रहे हैं। कॉर्पोरेशन ने जो नकली दवाएं खरीदी, जावेद भाई इससे अच्छे तो आप कांग्रेस में ज्यादा अच्छा बोलते थे, समाजवादी पार्टी में आने के बाद झूठ बोलने लगे आप। अरे झूठ मैं तो, ये तो मुख्यमंत्री जी का बयान है, आपने भी ये गलत है, सच्चाई बताइए इसकी कितनी चर्चा, बताइए क्या हुआ था? क्या हुआ, नकली दवाएं खरीदी गई, नकली दवाएं उसके बाद वाला बताइए ना, ये तो तीन बार बोल चुके आप, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये बताइए ना, अधिकारियों के खिलाफ क्या हुआ? जाके आप पता करिएगा, आरटीआई डालिए और पता कीजिए। एसआईटी नहीं गठित हुई, कोई जांच नहीं हुई, कीजिए उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, एफआईआर दर्ज है उसके खिलाफ। सप्लाई कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती वो भी नहीं हुई, और स्वास्थ्य सेवाओं में जो सर्विस प्रोवाइडर एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहा उसको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान कर्नाटक जैसी राज्य सरकारों ने ब्लैक लिस्टेड किया, उसके खिलाफ सीबीआई जांच है, उसको आपने यहां पर एम्बुलेंस के लिए सर्विस प्रोवाइडर बनाया, ये बताइए कि ये किसने सवाल उठाया? ये सवाल तो पूरे देश में जरूरी है कि कोई जरूरी है कि मध्य प्रदेश सरकार अगर कोई ब्लैक लिस्टेड करे तो हम उसको ब्लैक लिस्टेड कर दें? सीबीआई जांच कोई जरूरी है? छत्तीसगढ़ जो करे वही हम करें? हमारे यहां अगर वो बेहतर सुविधा दे रहा है तो प्रोवाइडर है, हमारे एम्बुलेंस चलवा रहा है वो, एम्बुलेंस हमारे यहां सही चल रही है, क्या दिक्कत है? अरविंद जी के पास चलेंगे। नितिन भाई बड़ी अश्विनी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बस एक मिनट शांति से हमको सुन लें, थोड़ा जल्दी से समय, बस एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। अभी आम आदमी पार्टी के साथ तुलना की बात कर रहे थे, अभी आपने देखा कि इनके अपने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार
पिछले 5 साल तक किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय चला है, कहां कहां घोटाले रहे हैं, कहां कहां अनियमितताएं रही हैं, क्या बदहालियां हैं, क्या नाकामियां हैं, सबको खुद उजागर करने का काम कर रहे हैं। एक सरकार पंजाब के अंदर चल रही थी और एक सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही थी। पंजाब सरकार में घोटाला हुआ नहीं था, घोटाला होने का अंदेशा था। वहां के भगवंत मान चीफ मिनिस्टर ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर सत्येंद्र जैन का क्या कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन का क्या कर रहे हैं बताइए, इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं हर बात पे। अरे सत्येंद्र जैन का क्या कर रहे हैं बताइए ना, तरह से तुलना करेंगे आम आदमी पार्टी से भाई, आम आदमी पार्टी से तुलना करने लायक ही नहीं है। मुख्यमंत्री खुद आपको सलाह देता है, जो है वो ऐसी पार्टी है, सत्येंद्र जैन के बारे में बताइए ना भाई क्या कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए। आपका मुख्यमंत्री ये कहना, सत्येंद्र जैन के बारे में बताइए क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो केस चल रहा है। आपका मंत्री कहता है भ्रष्टाचार करना बंद कर दीजिए, सत्येंद्र जैन ने कहा कि इतनी संपत्ति अर्जित की बताइए, जेल जाएंगे वो, याद हो रही है सब स्पष्ट। ठीक है, समय कम, समय कम, अंकुर भाई अपनी बात जल्दी से 30 सेकंड में पूरी कीजिए, फिर मैं अरविंद जी के पास। देखिए दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि भाजपा के प्रतिनिधि महोदय ये बात स्पष्ट कर दें कि क्या भाजपा की 0.2 की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री 2.0 या 0.2, हम तो 0 पहले, हम तो 0 पहले इसलिए रखेंगे क्योंकि ये जनता, अरे जब यही नहीं पता है 0 खुद हो चुके हैं वो लोग, पहले 0 ये लोग खुद हो चुके हैं उसके बाद 0.2 कह रहे हैं। शाही जी कभी कभी क्या होता है, यही नहीं पता है, खुद 0 हो चुके हैं ये लोग। हम 0.2 स्टार्टिंग से क्या 0.2 ही कह रहे हैं, क्योंकि आप वास्तव में 0.2 ही हैं, हम 2.0 क्यों कहें आपके लिए, वो आप कह रहे हो, मैं तो 0.2 ही कहूंगा आपको। ठीक है, दूसरी आप कहेंगे सबसे बड़ी बात है, आप इतने अच्छे बता मिल गई आज तो कहेंगे ही कहेंगे, आप चैनल के माध्यम से राज्यसभा मिली आज कहेंगे, आज कहेंगे आपके बेगानी जादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले मामला है इनका, इन्हें मतलब कुछ ना कुछ बोलना है चैनल पे आगे, इसलिए इनको बोलना है। लेकिन आप ये बात तो बोल दीजिए सम्मानित चैनल के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत सम्मान करता हूँ, जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं उनको, मैं जीरो टॉलरेंस की नीति का मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। क्या वो पिछले उस मंत्री को जिनके समय में पिछली बार स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा कांड हो गया, 16.5 करोड़ की एक्सपायरी दवाएं पकड़ी गई हैं, क्या उस मंत्री को वर्तमान सरकार में जो मंत्री बने बैठे हैं आज, अरे आज, में आज मंत्री बर्खास्त करेंगे, क्या उनसे इस्तीफा लेंगे, क्या उनसे इस्तीफा दिया जाएगा। अरे भाई साहब आपने पूरी दुनिया नाच आया, आपका मुद्दा तो एक ही रहा कि विपक्ष की आलोचना करना, अरे भाई आप आश्वस्त कीजिए ना कि उनको बर्खास्त किया जाएगा या उनसे इस्तीफा दिया जाएगा। आप लोगों में नैतिकता मापदंड नाम की कोई चीज नहीं बची है, अरे आप नैतिकता मापदंड की बात करिए, अरे भाजपा का चाल चरित्र, दोहरा चाल चरित्र आप दिखाते हैं, पिछली सरकार से क्या तुलना हम करेंगे, आप उनको बर्खास्त कीजिए, प्रदेश के सामने एक आंदोलन प्रस्तुत कीजिए, प्रदेश पाठक जी आपके जो मुख्यमंत्री है, उपमुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री से 19 होता है, प्रोटोकॉल तो लगभग सेम रहता है ना, आप लोग हारे हुए को उपमुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, हारे हुए को उपमुख्यमंत्री बनाए हुए, दो दो मंत्री है, अरे एक मंत्री नहीं रहेगा सत्ता में क्या फर्क पड़ना, आपका एक मंत्री नहीं रहेगा सत्ता में क्या फर्क, जनता के सामने मैसेज दीजिए कि जनता के पैसे का गबन हुआ है, नुकसान हुआ है, उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, ठीक है अरविंद जी, अब तो बजट आ गया, हालांकि विपक्ष काफी नाराज दिख रहा है, शाही साहब को आज काफी घेरने की कोशिश भी की गई है, लेकिन शाही साहब की तरफ से बताया गया कि बजट बेहतर है, अच्छा है, इस पर काम किया जाएगा। आपकी नजर में इस बजट पर कैसे बेहतर काम किया जाए, क्योंकि अब तो जो आ गया है हमें उसी के साथ रहना है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है। बिल्कुल नितिन भाई, देखिए हम इसमें राजनीतिक जो है घाल मेल बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, ना अपेक्षा करेंगे कि कोई इसमें जो है दिक्कत पैदा करे, हम लोग एक जो है गंभीर मसले पर बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा इस पर जो है धैर्य बनाए रखना हो। देखिए किसी भी राज्य में जब बजट पारित किया जाता है तो कोई भी सरकार हो, चाहे आज की तरफ सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकारें रही हो, उसका जो है पूरा मकसद यही होता है कि बजट जो है जनता को समर्पित है, यानी बजट का जितना भी दायरा होता है कुल मिलाकर चाहे मत चाहे जितने भी हो, अंततः वह जनता के हितार्थ ही होता है। यह मान लेना कि इस बजट में कुछ नहीं हुआ है, अगर आप देखिए तो सरकार जो है 11 लाख किसानों का अगर 65,53,000 मीट्रिक टन अगर धान खरीदती है, 94,000 मीट्रिक टन जो है गेहूं खरीदती है, पैसा किसके हाथ में जाता है, गन्ना किसानों का 1,72,000 करोड़ भुगतान करती है तो पैसा किसके हाथ में गया, किसान सम्मान निधि के जरिए जो है 42,000 करोड़ ट्रांसफर कर रही है किसानों के खाते में तो किसके पास गया। हाँ, बेरोजगारी एक मसला, मैं बिल्कुल कहूंगा कि बेरोजगारी पर सरकार को अपना ध्यान सिर्फ प्राथमिकता में रखनी चाहिए। मैं एक और दूसरी बात करना चाहता हूँ,
देखिए किसी भी सरकार के लिए रोजगार तभी उपलब्ध होगा जब उसका जो है पूंजीगत परिव्यय बहुत अधिक होगा। लेकिन इस देश की सरकारों का दुर्भाग्य रहा है कि लोक लुभावन जो है नीतियों के चलते या चुनाव को मद्देनजर रख करके कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं, कुछ नई परियोजनाएं लाते हैं जिससे पूंजीगत परिव्यय में कमी हमेशा आती है। आज की तारीख में देखिए इस बार के बजट में 95,000 करोड़ जो है पूंजीगत परिव्यय क्यों रखा गया है, आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के यह 20% के आसपास है। मेरा मानना था कि अगर सरकार इसमें कम से कम जो है अगर 25% भी कर देती यानी 1,10,000 करोड़ कर देती तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति मिलती और मुझे लगता है कि इसमें निवेश की भी गति बढ़ती, तो ये इस दिशा में काम होना चाहिए था। हाँ अच्छी बात है कि सरकार जो है 17,000 करोड़ जो है किसानों के लिए रखी है कि उसके उपज को खरीदा जाएगा, लेकिन ये अभी कम है, ये अभी आज की तारीख में मैं कहूंगा कि बहुत कम है, कम से कम जो है 35,000 करोड़ रखना चाहिए ताकि 20% किसानों के अनाज जो है खरीदे जा सके, तो इस दिशा में काम करना चाहिए। तो इस बजट को हम लोग जो है पूरी तरह से आप न तो पूरा संपूर्ण कह सकते हैं न निरर्थक कह सकते हैं, एक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की गई है। हाँ इसमें खामियां हैं जिसका विपक्ष अपनी बात कह रहा है उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से खारिज कर देना हमारा समस्या न्याय संगत नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भारी भरकम बजट तो पेश कर दिया गया, संतुलित बजट बताया जा रहा है कि संतुलित बजट है और इससे उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का बेहतर विकास किया जाएगा। लेकिन विपक्ष के कई सारे सवाल इस बजट को लेकर के हैं कि मेडिकल की स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है, रोजगार की स्थिति को बेहतर कैसे किया जाएगा, कई सारे जो सवाल हैं विपक्ष लगातार पूछेगा और कल से जब बजट पर चर्चा होगी तब भी ये सवाल जो है वो सरकार से पूछे जाएंगे। फिलहाल कल से कार्रवाई देखना काफी अहम होगा क्योंकि बजट पर ही सवाल होंगे और उसमें वो सवाल पूछे जाएंगे जो जनता के हित से जुड़े हुए हैं। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।